गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, मैं आपके लिए आज जो देखिए है बेसिक ही है। दिक्कत होता है कहाँ, जो हम लोग नॉन नेटिव स्पीकर है, ठीक है। नेटिव स्पीकर वो होता है जो जहाँ पे पैदा होता है और उसका जो भाषा होता है वही भाषा बोलता है। जैसे हम लोगों का नेटिव स्पीकर, हम क्या है, हिंदी नेटिव स्पीकिंग है, ठीक है। और अंग्रेज़ जो है इंग्लिश है, जो उसका नेटिव स्पीकिंग क्या है, इंग्लिश है, तो ठीक है। नेटिव का मतलब होता है जिस तरह, जहाँ से रिलेशन रहता है, जहाँ पैदा होता है वहाँ से, अगर उसी भाषा को अगर वो जारी रखता है तो उसे हम नेटिव स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को दिक्कत क्या होता है, जो वर्ब पहचानने में, अगर कोई सेंटेंस में आ गया तो कभी मैं पढ़ाता भी हूँ तो मैं पूछता हूँ इसमें वर्ब कौन है, तो वो दिक्कत करता है, ठीक है, और उसमें कंफ्यूज हो जाता है। क्यों ऐसा, कि हिंदी में कहीं वर्ब हो जाता है, कभी लास्ट में हो जाता है, कभी शुरू में भी हो जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में केवल और केवल एक ही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाकी बात कुछ नहीं। तो मेरा आज का ये है वर्ब आइडेंटिफिकेशन, वर्ब की पहचान। अब देखिए, मैं जा रहा हूँ, देखिए, है, हूँ, हम वी फॉर्म में बता दिए थे, था, थे, गा, गे, ठीक है। ये टाइम बताता है, ठीक है, ये वर्ब नहीं बताता है, इससे कंफ्यूज हो जाता है। ये टाइम बताता है, टाइम पीरियड बताता है। जैसे गागे की टाइम पीरियड क्या बताता है, फ्यूचर का। था थे ती क्या बताता है, पास्ट का। है हूँ क्या बताता है, प्रेजेंट का। जैसे हम बच्चा में पढ़ते थे का है हूँ प्रेजेंट मानो, था थे ती पास्ट, गागे की फ्यूचर मानो, लो बच्चों टेंस पहचान। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप आगे देखो, जैसे आई, उसके बाद वर्ब, गोइंग वर्ब है, और गोइंग वी फॉर्म के बाद ही आता है, ठीक है। एम के बाद वी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, ठीक है। सो रहा है हूँ से पहले क्या है, रहा है, ये जारी वाला है, रहा है, कहाँ, जा रहा है, जाना वर्ब है। कोई यहाँ पे ये कहता रहा है वर्ब है, रहा नहीं है, ये तो टाइम पीरियड बता रहा है, जा रहा है, ठीक है। आगे है, वह आई है, क्या है, वह आई है। अब आई देखिए, है से पता चलेगा क्या, टाइम पीरियड बताएगा, ये प्रेजेंट में है, आई है, लेकिन कार्य क्या हो गया, भूत में कब हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज कम, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होगा तो बोलते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। राम जाया करता था, अब था टाइम क्या बता रहा है, पास्ट का। करता था, करता थोड़ी वर्ब है यहाँ, वर्ब यहाँ करता थोड़ी है, जाया करता था, ये पूरा जाया करता, ये तो टाइम बता रहा है। राम यूज्ड टू गो, आप इसको दो तरह कैसे बना सकते हैं, राम यूज्ड टू गो और राम वेंट, जाया करता था, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। वह जाया करता था, मैं खाया करता था, वो खेला करता था, मैं जाता था, मैं आता था, ठीक है। आगे है, मेरे पापा मुझे मारेंगे। अब देखिए, अब यहाँ वर्ब आ गया लास्ट में, वर्ब लास्ट में आ गया, गे गागेगी है, ये टाइम बता रहा है, मारेंगे, मार पड़ना को मारेंगे, मारना, मुझे पापा मारेंगे, मेरे पापा मुझे मारेंगे, माई फादर विल, माई फादर, मेरे पापा विल बीट मी, बीट क्या करेंगे, बीट मी, BAT, बीट मी, माई फादर विल बीट मी। अब देखिए, पीटने का काम पापा कर रहे हैं, पिटाने का काम मैं कर रहा हूँ, ये विल लगा हुआ है, गागेगी में सेल विल ही यूज़ होता है, उसका हम यूज़ हम बता चुके हैं, मेरा वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, बीट वो मारे मारना, ठीक है। वह वहाँ जाएगा, नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, गागेगी टाइम बता रहा है, जाऊँ जाना, आई गागेगी विल जाना का गो, देयर वहाँ का देयर। सो सबसे एकदम एकदम
रामबान 90 से 99% आप वर्ब ऐसे पहचानो जैसे जाना, आना, ना लगा के देखो। जैसे देखो, जाऊं इसमें लिखो जाना, मारना मारना, करना जाया जाना, आना क्या है जाना, ठीक है। सब हर एक चीज़ में अगर ना लगाओगे, जाना आना पढ़ना लिखना खाना पीना उठना बैठना लिखना इधर उधर फलना ढुनका चैटिंग फैटिंग यूजिंग फूजिंग सब कुछ, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।